हेलो अनीसा जी, लीलान प्रिया जी, हेलो वेलकम, डिम्पल जी वेलकम। अर्चित जी वेलकम। अलीसा अलीसा नवीन जी हेलो वेलकम। पूनम जी वेलकम। गरिमा जी वेलकम। कैसे हैं आप? निपा मंडाविया जी हेलो वेलकम। आई थिंक सूर्या जी वेलकम। सुरेश जी वेलकम। तो सभी लोग का दीपा जी वेलकम। सांझी कैसे हैं? साक्षी जी वेलकम। स्पंदना स्पंदन जी वेलकम। हेलो दीप जी। माधुरी जी वेलकम। सुरेश हेलो माधुरी जी कैसे हैं आप? हेलो श्रेया जी। श्रेया जी सॉरी आपका नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर पा रहे। हेलो कैसे हैं आप? साक्षी जी हेलो। अच्छी बात है माधुरी जी मस्त लिख रहे हैं। वेरी गुड। शैडो ऑफ वेलकम। शांत जी वेलकम। बढ़िया आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं माधुरी जी। आप बढ़िया हैं? ठीक है। कोविड चल रहा है तो ख्याल रखिएगा। स्टार्ट सर। श्रुति ओके थैंक यू फॉर टेलिंग मी। श्रुति जी याद हो गया आपका नाम। यहाँ पर ऊपर कुछ और लिख के आता है ना, इस कारण से शायद वही नजर नहीं आता मैं। तो आप सभी का स्वागत है और
सिमरन जी, वेलकम। रितु सिस्टर वेलकम। अच्छा हेलो रितु सिस्टर, आप कैसे हैं? तो आज कोई स्पेशल टॉपिक तो ऐसा हमने सोचा नहीं है, बट अगर आप लोग कुछ पूछेंगे, कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। और कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, या हस्तरेखा संबंधित, या सनातन धर्म से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आंसर देने का। थैंक यू सिस्टर। तो यस, एक्चुअली क्या है कि आजकल गर्मी ज्यादा हो रही है, तो हमने सोचा शाम को भी नहा लें, हालांकि हम सुबह शाम नहाते हैं। मेरे साथ हमेशा उल्टा ही क्यों होता है? देखिए, शायद ये आपका मानना है कि आपके साथ हमेशा उल्टा ही होता है ना। हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हैं शायद वैसा नहीं होता, इसलिए आपको लगता है उल्टा उल्टा होता है आपके साथ। बट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ में जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो अपने एफर्ट्स और बढ़ाइए, तो आई थिंक जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अंकिता जी वेलकम, स्वागत है आपका। माधुरी जी फाइल कर रही है। हम जब फ्रेश होके जाएं तो अच्छी तरीके से हम आंसर भी दे पाएंगे आप लोग के प्रश्नों का, फ्रेश फ्रेश आंसर भी देंगे। हमने ये कहा कि हम ही केवल नहाते हैं, सभी लोग नहाते हैं। थैंक यू। तो शालिनी जी वेलकम। तो कोई अगर आप लोग का प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछिए, या फिर हम लोग कोई नॉर्मल टॉपिक हो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। करियर, ओके ओके। सो करियर की आप लाइन जानना चाह रहे हैं, डेफिनेटली हम आपको बता सकते हैं। जस्ट 1 मिनट अपना मैक ऑन कर ले, तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी करियर की लाइन होती है। जस्ट 1 मिनट, क्योंकि उसके लिए मैं पाम की फोटो चाहिए होगी, और इस पे अवेलेबल है ना, किसी की फोटो पड़ी होगी तो हम आपको भी दिखाते हैं। बाकी शिल्पा चतुर्वेदी जी वेलकम। बाकी आप सब लोग के अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे सबके प्रश्नों का उत्तर देने का। एंड जस्ट 1 मिनट। सोच रहा है कि अगर कोई हाथी फोटो मिल जाए तो शायद हम आपको दिखा दें। ओके, सो
तो किसका प्रश्न था कि भाग्य करियर की लाइन कौन सी होती है? हम जस्ट आपको शो करने की कोशिश करेंगे, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे अपने हाथ में, अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे आप हमारा कर्सर देख पा रहे हैं, ये जो है ये भाग्य रेखा है, ठीक है। और यहाँ से जाके ये सीधे जाके, तो यहाँ से ये इधर की तरफ, ये जो एरिया है ये जुपिटर माउंट है। जब इधर की तरफ जाती है तो ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाती है व्यक्ति को। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाहिए तो ये लाइन अगर यहाँ से जाके तो ये इधर चली जाती तो ये बहुत अच्छा रहता। बट इसका जो मूल स्थान है वो यहाँ से आके यहाँ पर शनि पर्वत के पास में ही आती है ये, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि कौन सी इसमें करियर की लाइन है। शिखा दीप जी वेलकम, विश्वजीत सिंह जी वेलकम, कैसे हैं आप? हमें याद है लास्ट टाइम आपने काफी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ और कोई कौर जी हैं? कोहली वेलकम आपका, दिव्य आनंद जी वेलकम। तो और बाकी अगर किसी का प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे। एंड कोई भी अगर प्रश्न है किसी भी प्रकार का, ज्योतिष से संबंधित या आपके पाम से संबंधित, तो आप बिल्कुल पूछिए। और जिसका भी ये प्रश्न था भाग्य रेखा करियर की लाइन वाला, अगर वो क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल हमें बता दीजिए, तो हमें लगेगा कि शायद हमारी मेहनत सफल हो गई। प्रकृति जी वेलकम। तो बट सर, लक लाइन नॉट क्रॉस द हार्ट लाइन, तो हाउ टू चेक गवर्नमेंट जॉब लाइन? ओके, एक और चीज हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि आप सभी लोग के लिए, जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं, विदुषी जी जस्ट 1 मिनट, हम पहले इनका प्रश्न क्लियर कर दे रहे हैं। अभी ये लास्ट क्वेश्चन था इनका कि अगर ये वाली, सपोज ये जो आपकी करियर वाली लाइन है, लक लाइन है, यहाँ के यहाँ पर आके हार्ट लाइन के पास में रुक जाती है, तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति, है ना, या तो प्यार में पड़ के या कहीं किसी भी इमोशनल रीजन के कारण उसकी जो प्रोग्रेस है वो आगे नहीं हो पाती है ना। वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता है केवल और केवल अपने इमोशनल रीजन के कारण, या तो रिलेशनशिप हो सकती है, इन सब चीजों में पड़ के, प्यार के चक्कर में पड़ के कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और मर्करी माउंट से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाए तो क्या रिजल्ट होगा? ओके, अगर मर्करी से लेके भाग्य रेखा में कोई लाइन जुड़ती है तो बहुत सारे योग बनते हैं उसमें व्यापार के, ठीक है, क्योंकि मर्करी पर्वत है व्यापार को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यापार में ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, मतलब उसका लक जो है व्यापार में ज्यादा ग्रो करता है। विच हैंड शुड आई चेक, लेफ्ट और या राइट? देखिए वैसे तो दोनों हाथ ही चेक किए जाते हैं, कहीं ना कहीं दोनों हाथ से चेक किया जाता है, बट राइट हैंड और ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि राइट हैंड हमारा कर्म स्थान, कर्म का हाथ होता है ना। इसलिए तो ऐश्वर्या जी भी जुड़ गई हैं, वेलकम। पुनीत जी वेलकम। एंड सना सना हसनी जी वेलकम। नीलेश जी हेलो, कैसे हैं आप? व्हाट इफ जॉब करियर लाइन में बहुत ब्रेकेज हो? ओके,
अगर करियर लाइन में बहुत ज्यादा ब्रेकेज आ रहे हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि करियर में ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, चैलेंजेस थोड़े से आते हैं, बट जरूरी नहीं कि दिक्कत ही हमेशा है। रोज गोमेज जी बिल जुड़ गए हैं, सिमी जी वेलकम, गीत जी चड्ढा जी वेलकम। जुपिटर माउंट पे त्रिशूल का साइन क्या रिजल्ट होता है? जुपिटर माउंट पे जो त्रिशूल है बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। त्रिशूल का अगर चिन्ह है जुपिटर माउंट पे तो ये व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं, जॉब, ठीक है, शादी विवाह, हर चीज में कहीं ना कहीं लक बहुत अच्छा कर देता है। कृति चौधरी वेलकम, माइक किचन जी वेलकम, अर्श जी वेलकम, कामिनी जी वेलकम, चैताली जी वेलकम, दीपिका कपूर जी वेलकम। सो हाँ, और बाकी आप लोग के और भी कोई प्रश्न तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपका आंसर दे दें यहाँ पे। जल्दी शादी का कुछ उपाय बताइए प्लीज पंडित जी। ये पंडित जी तो नहीं है, बस खाली एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। हालांकि पंडित जी का अर्थ होता है जो भी ज्ञानी हो उसको पंडित कहते हैं। तो जल्दी शादी करने का, ठीक है, शादी करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है गुरु की, शादी करवाने की जिम्मेदारी है ना, और उसको मेंटेन करना, उसको अच्छी तरीके से चलाना वो जिम्मेदारी होती है शुक्र पर्वत शुक्र देव की, है ना। तो यहाँ पर आपको गुरु की उपासना करनी चाहिए, गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और केले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के रोज आप नहाएं तो उससे बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे जल्दी शादी होने के। और पीली चीजें ज्यादा खाएं, इनमें पीलापन, तो जो जुपिटर होता है उसका तत्व तो पीला जो तत्व होता है वो आपके शरीर में बढ़ जाएगा और जुपिटर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे सब पामिस्ट ने लव मैरिज का बोला था बट मेरे की इस 27 को शादी है, ये सब सच्चा होता है? देखिए हाँ बिल्कुल सच्चा तो होता है ना, बट हो सकता है आपकी किसी और के साथ में लव मैरिज हो और शादी तो आपकी होगी ही, अगर बीएफ की शादी हो रही है तो कोई बात नहीं, आपकी भी शादी होगी। सर जी आप रिप्लाई तो देते ही नहीं हो। देखिए हम प्रयास करते हैं सबका रिप्लाई करने का बट मेरे पास भी व्यस्तता होती है ना, तो उस हिसाब से समय कभी कभी लग जाता है, सबका आंसर नहीं दे पाते हैं, उसके लिए सॉरी, बट हम कोशिश करते हैं सबका आंसर दें। मनोज जी लिख रहे हैं हेलो, कैसे हैं मनोज जी? और बाकी आप लोग और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, हम उत्तर देंगे। तो ऐश्वर्या जी आई थिंक वो वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जल्दी शादी कैसे हो, उसके लिए आप गुरु की उपासना करिए। नवजीत जी हेलो, विवाह रेखा का स्टार्टिंग में दो मुखी होना और फिर सिंगल हो जाना, इसका फलादेश? देखिए अगर विवाह रेखा का दो भागों में होना और उसके बाद में सिंगल अगर हो रही है तो ये है कि हो सकता है कि व्यक्ति का दिल जो है दो जगह लगा हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि सपोज एक जगह कहीं शादी हो गई, ठीक है, या एक बॉयफ्रेंड है उसके अलावा आप किसी को दूसरा ही पसंद आ रहा है, या एक ही रहेगा दूसरी तरफ आकर्षण नहीं रह जाएगा।
और अगर दो भागों में डिवाइड होती है तो फिर उसका जस्ट अपोजिट होगा। रिया जी वेलकम। सर जी बहुत मैसेज किया इंस्टा पर लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मुझे अब्रॉड सेटल होना है, कोई उपाय? देखिए अब्रॉड तो की किस्मत में होता है, वो अब्रॉड जाता है नो डाउट। एंड उपाय इसके लिए ऐसा तो कोई विशेष उपाय नहीं है, विदेश जाने के लिए कोई उपाय, बट हाँ बाकी आप अपने प्रयास जरूर कीजिए, है ना, एफर्ट लगाइए। जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं IELTS, वो आप एग्जाम दीजिए और के बाद में उम्मीद है जल्दी आपका हो जाएगा फॉरेन में सेटलमेंट। सर ऐसा पैसे आ रहे हैं लेकिन बच नहीं रहे, कुछ उपाय बताइए। ओके तो देखिए अगर आ रहे हैं और फिर खर्च हो रहे हैं तो कोई इसमें ज्यादा बुराई वाली बात नहीं, बट अगर ना आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं ज्यादा तो दिक्कत वाली बात होती है। बट आप अपने खर्चे किसी ना किसी प्रकार से बैलेंस कीजिए, है ना, और बाकी थोड़ा सा आपका चार्ट भी देखना पड़ेगा कि फिर क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। बट कभी कभी जब ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, अगर फालतू की चीजों में खर्च हो रहे हैं, तो उसके लिए ये उपाय ये होता है कि आप तो बैंक से ऋण लेके व्यापार करें और बैंक को ऋण चुकाएं, ठीक है, तो आपका खर्च एक प्रकार से वहां पर होता है लेकिन वो आपका खर्च ही नहीं होता है ना, वो पैसा आपका एक प्रकार से सेव रहता है और आप बैंक के पैसे से व्यापार करते हैं, तो खर्च एक प्रकार से रुक जाता है, दोनों व्यवहार रेखा एक साथ चलना और किसी का हार्ट बैंक से मिल जाना का क्या मतलब? दोनों युवा रेखा एक साथ चलना और किसी एक रेखा का हर टाइम पर मिल जाना। हाँ देखिए तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रेम विवाह होने के चांसेस रहते हैं जब हार्ट लाइन से कोई रेखा जो है मिल जाती है जाके, विवाह रेखा। मानसी जोशी जी वेलकम। तो अतुल कुमार जी वेलकम। अली अली सोरे जी वेलकम। स्माइल सैनी वेलकम। मैं मनवांछित घर और वर्क के लिए क्या करें? देखिए बस हमने वही उपाय जो आपको बताया, आप अपना गुरु को स्पाइन कीजिए, मनवांछित आपको फल मिलेगा, मनवांछित आपको वर भी मिलेगा, मनवांछित घर भी मिलेगा, मनवांछित ही सब कुछ आपको मिलेगा, जो आपकी इच्छा होगी वही वैसा ही सब कुछ मिलेगा। मनप्रीत जी वेलकम। पूर्वी जी वेलकम। तो आप लोग के भी कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट चार्ट क्वेश्चन पूछिएगा ना, कुंडली रीड करने को मत बोलिएगा यहाँ पे। हाँ सर मेरे गुरु कौन है? मेरी राशि लियो है। अच्छा आपकी राशि लियो है, गुरु कौन है? तो गुरु जिसको आप बनाएंगे वही गुरु होगा ना। पूनम जी हेलो, मेरी शादी कब होगी? 11 मार्च 1990। ठीक है आपकी डिटेल हमें मैसेज करिए, डायरेक्ट मैसेज करिएगा कि जिसमें डिटेल में आपको बर्थ डेट, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ये सब भेजना पड़ेगा। सिमरन जी वेलकम। मेरी फैमिली में सब बहुत बीमार रहते, स्पेशली मैं, ऐसा कोई सिचुएशन? ओके तो आपकी डिटेल वगैरह भेजिएगा, हम एक बार चेक कर लेंगे,
ना कि क्या रीजन क्या है जो बीमारी हो रही है ना, किस प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, देन हम आपको बता सकते हैं। नहीं सर, वन के और घर के लिए क्या करूं, हमने भी बताया तो है इसका उपाय। संतोष जी वेलकम, कैसे डिटेल्स क्या क्या भेजना होगा? यू विल हैव टू सेंड मी बर्थ डेट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सब आपको भेजना पड़ेगा। रिलेशनशिप गाइड मिल सकती है, आप मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली हम आपको गाइड करेंगे। जी सूर्य रेखा का नीचे दो पार्ट में बढ़ जाना का क्या रीजन है? उसका ये रीजन होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्धि चाहता है। प्रीति बाग बागा जी वेलकम, नंदी डिजाइन वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सिडनी राज जी वेलकम, सुनील देखिए, इन जनरल हम आपको बता दे रहे हैं आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि विवाह, जल्दी विवाह के लिए क्या करें, तो उसके लिए आप अपने गुरु को स्ट्रांग करें, है ना। और गुरु को स्ट्रांग करने के लिए आप बृहस्पति को येलो कपड़े पहने, और उसके अलावा कोई भी येलो कपड़े हैं ठीक है, वो किसी मंदिर के पुजारी को आप दान भी कर सकते हैं, जिससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। उसके अलावा पीले फल, पीली चीजें ज्यादा खाएं, जिससे आपके बॉडी के अंदर जुपिटर की मात्रा का ज्यादा संचार होगा, है ना। तो अभी मैं जिस रिलेशन में हूँ वो कैसा है मेरे लिए? देखिए ये तो देखना पड़ेगा, इस बिना ऐसे कैसे देख सकते हैं और बिना डिटेल्स के। पामिस्ट्री मंगल दोष कैसे चेक करें? देखिए पामिस्ट्री में एक्चुअली मंगल दोष नजर नहीं आता ऐसे, बट हाँ एक चीज हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मंगल दोष है कि नहीं, बट हाँ अगर मंगल का क्षेत्र काफी ऊपर है तब उसके अंदाजा लगता है कि कोई मंगल दोष है कि नहीं है। ठीक, अगर मंगल बहुत ज्यादा उभरा है हथेली में तो उसके अंदाजा लगता है कि मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में, उस समय पे मंगल दोष हो सकता है। मंगल दोष देखिए होता कुछ नहीं है, केवल और केवल मंगल थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इसकी वजह से कहते हैं मंगल दोष, बट मंगल सप्तम स्थान से संबंध बना लेता है। और कुछ, मेरी एक प्रॉपर्टी है, गुंडे उसमें मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं? देखिए उसके लिए आप सरकारी गुंडों की सहायता लीजिए, मतलब पुलिस की सहायता ले सकते, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। उच्च अधिकारियों को सूचित करें, तो एसडीएम वगैरह को, तो वो आपकी जमीन को बिल्कुल खाली करा देंगे गुंडों से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर डिटेल्स भेज दी आपको, ठीक है सर। हमारी मैरिड लाइफ कैसी होगी? मेरी सपोर्टिव हस्बैंड आपको दे वो आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भेजनी पड़ेगी, हम चेक करके उसके बाद में ही बता पाएंगे कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी। पुलिस भी मिलेगी तो आप डेफिनेटली अधिकारियों से बात कीजिए, है ना, एसडीएम वगैरह से, जो उचित रहेगा। व्हाट आर इम्पोर्टेंट क्वालिटीज दिस करंट लुक फॉर?
arithmetic, please, in English. Okay, so you need to ask your parents what they look for the good qualities in a guy when they are searching for match. But what can I say? He should be a good person. This is what I can say. Simran ji, Hardik Vatra ji joined. Welcome. Gayatri ji, welcome. Sajan Grover ji, welcome. अगर आप इफ यू आस्क इन कुंडली व्हाट क्वालिटी शुड मैच देन आई कैन टेल यू. कौर रीत जी वेलकम. कौर आपके डिटेल भेज दी है अपनी. ओके पूर्वी जी, हम चेक कर लेंगे एंड देन आई विल लेट यू नो. एकदम एंड बाकी किसी का और प्रश्न कोई? हाउ मेनी क्वालिटीज शुड मैच इन मैरिज मैचिंग? ओके एक्चुअली इट डजेंट मैटर बट बेसिकली देयर आर टू बेसिक पॉइंट. फर्स्ट इज भकूट एंड सेकेंड इज नाड़ी. So these points are very important. If these points are matching, it makes around 16 qualities, 16 guna in the Kundli. So if they are matching and there is no Mangal Dosha, then you can go for marriage. There will be no problem. Anybody else want to ask something? सर अगर घर में नेगेटिव एनर्जी हो उसकी वजह से भी फाइट होती है घर पर? डेफिनेटली उसकी वजह से भी फाइट होती है घर पे. नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि प्रयास करें आपके घर में कौन कौन सी चीजें फालतू की हैं जो यूज में नहीं होती है. ठीक है, कबाड़ जिसकी रखी हुई है उनको घर से बाहर करें, है ना. और जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अगर अच्छी हैं तभी उन्हें घर पे रखें जो चलती हालत में हो. कोई भी खराब चीज घर पे ना रखें. इवन जो घड़ी होती है दीवार वाली या हाथ वाली कोई भी घड़ी है उसको भी वो रुकी हुई नहीं होनी चाहिए. उसमें सेल डलवाइए, वो चलती हुई होनी चाहिए वरना वो भी नेगेटिविटी फैलाती है. मुझे अपने घर का माहौल ठीक करना है, कुछ बता सकते हो? डेफिनेटली आप, हमने जो आपको उपाय बताया, आप सबसे पहले अपने घर का कचरा साफ कर दीजिए और बिल्कुल अच्छा रहे. घर में पैसा आता है और जाता है, टिकता नहीं है. अच्छा उसके लिए कहीं ना कहीं आपका कुंडली में सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबल होगा. वहां पर किसी कह सकते हैं किसी अनफेवरेबल प्लेनेट की दृष्टि हो सकती है जिस कारण से पैसा नहीं टिक पा रहा होगा. ठीक है, और 12th हाउस भी ये रिप्रेजेंट करता है. सर और कुछ बताओ जिससे घर का माहौल ठीक हो सके? फिलहाल तो आप इतना ही कीजिए, है ना. इतना बताया, डेफिनेटली इससे बहुत फर्क आएगा. घर का माहौल निगेटिविटी से ही फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा. जब निगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी ही आएगी, है ना. आईएएस आईपीएस योग इन हैंड. ओके आईएएस आईपीएस योग इन हैंड तो ये हो सकता है कि आपका सन माउंट अच्छा होना चाहिए, जुपिटर बहुत अच्छा होना चाहिए. उसके अलावा आपकी लक लाइन जो है वो अगर आपके जुपिटर पे जा रही है, ठीक है, अच्छी तरीके से कहीं टूटी फूटी ना हो और जुपिटर पर्वत पे पहुंच जाए, गुरु पर्वत पे पहुंच जाए, तो बहुत अच्छे योग बनते हैं आईएएस आईपीएस के.
और किसी का कोई प्रश्न? और बाकी कुंडली में आईएएस आईपीएस के लिए या कोई भी उच्च अधिकारी बनने के लिए होना चाहिए आपका सूर्य और मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। विच इज लक लाइन? ओके, अभी हम आपको शो करेंगे लक लाइन कौन सी होती है, जस्ट देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो ये जो है यहाँ से कभी कभी ये रेखा यहाँ से निकलती है, बट ये जो रेखा है ये लक लाइन है आप, और ये यहाँ से जाके ये धीरे 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 ये पहुँचती जाके, है ना, ये यहाँ पर ये शनि पर्वत क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँच जाती है लक लाइन। अगर यहाँ शनि पे ना जाके ये इधर जुपिटर पे मुड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है। किसी काम में मन ना लगे तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित होगा। अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा तो आप शिव जी की उपासना करें, अपने चंद्रमा को ठीक करें, या मेडिटेशन करके आप कर सकते हैं। सन माउंट पे क्विट लाइन जाए तो, अगर सन माउंट पे जाती है फिर भी अच्छा है, ठीक है, उसमें भी काफी, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फेम मिल जाएगा। सर, एक पीसीएस ऑफिसर के हाथ पे क्या साइन होते हैं? हमने बोला तो हम आपको दिखाई भी दे रहे हैं, हाथ में यहाँ पर एक, हाँ ये देखिए, यहाँ पर ये सूर्य पर्वत है, ये स्ट्रांग होना चाहिए, और ये आपका जुपिटर है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। ये भाग्य रेखा है, ये यहाँ से आके और यहाँ पे जुपिटर पे पहुंचे तो ये बहुत अच्छे योग। लड़कियों का कौन सा हाथ देखा जाता है? सबका राइट हैंड ही देखा जाता है ज्यादातर, अगर डिपेंडेंट है, सॉरी, अगर इंडिपेंडेंट है तो, अगर डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं फिर लेफ्ट हैंड देखा जाता है। माई फियांसे डजंट टॉक टू मी, व्हाट शुड आई डू? काफी जटिल प्रश्न है। एंड बाकी और किसी को भी प्रश्न? सर मेरा मैसेज देख लो। हाँ, ये लाइव सेशन जैसे एंड होगा उसके बाद में हम मैसेज चेक कर लेंगे। एंड बाकी और किसी का कोई प्रश्न? मैसेज जो भी आए हैं हम सब देख लेंगे, डोंट वरी। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले तो सर, ओके, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती तो ये काफी अच्छा माना गया। इसमें व्यक्ति बहुत ही विचारवान होता है, उसके अलावा कोई गाइडेंस के फील्ड में जा सकता है, गाइड कर सकता है लोगों को, काउंसलर अच्छा बन सकता है, और उसके अलावा वकील भी बन सकता है, ठीक है, एडवोकेट अच्छा बन सकता है, या कहीं पर भी काउंसलिंग कर सकता है, और पब्लिक से इंटरेक्शन उसका बढ़ जाता है। वेदर मैरिज ऑफ ए मांगलिक एंड नॉन मांगलिक इज पॉसिबल? देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू नीड टू सी इन योर चार्ट वाइल डूइंग मैच मेकिंग। फर्स्ट इज
बकूट एंड नाड़ी इफ बोथ आर मैचिंग, इफ देर इज नो प्रॉब्लम इन बकूट एंड नाड़ी एंड देर आर ऑलमोस्ट 23 या 24 गुणाज आर सेम, देन यू कैन गो फॉर इन दैट मैरिज. एंड फॉर मांगलिक यू विल हैव टू डू सम काइंड ऑफ पूजा बिफोर गोइंग टू मैरिज, देन देर विल बी नो प्रॉब्लम विथ मांगलिक. अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर टाइम भी ना पता हो तो देन के लिए हो सकता है फिर अपने हाथ का अध्ययन करा लें, शस्त्र रेखा का. मैं पूछ रही कि अगर टॉप पे ग्लास का डाइस रखे तो उससे बेनिफिट होगा सर? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी जी का कहीं ना कहीं सिंबल है तो उससे फायदा हो सकता है. बिल्कुल होगा भैया, दोनों हाथ में बीच में क्रॉस हो तो ओके. क्रॉस एक्चुअल में अलग अलग जगह पे होता है तो उसका अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, तो देख के देखना पड़ेगा कि क्रॉस कहाँ कहाँ पे है. हर जगह पे अलग अलग उसके विचार होते हैं, है ना, देख के ही बता पाएंगे. और बाकी कोई प्रश्न? मैसेज चेक कर लेंगे हम. हम बोला ना कि जब ये सेशन एंड होगा तो देख लेंगे मैसेज. बाकी किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अभी हम अवेलेबल हैं थोड़ी देर. और हाँ मांगलिक का होगा, मांगलिक सही होना चाहिए. तो बकूट इज नॉट मैचिंग द रेस्ट 25 गुण. ओके एंड इज देयर मांगलिक दोष आल्सो इन एनी कुंडली? मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही किया जाना चाहिए, उसमें ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि दोनों की एनर्जी एक जैसी होती है, एनर्जी मैच करती है. लव मैरिज योगिन है. ओके अभी हम आपको बता रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो ये रेखा होती है यहाँ पर मैरिज वाली, और जब ये रेखा निकल के यहाँ से ये इधर की तरफ आ जाए, है ना, जो हार्ट लाइन इसकी तरफ अगर आ जाती है ये लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं, है ना, यहाँ से निकल के वो इधर आ जाए. माई हस्बैंड नेम इज प्रभात एंड माई नेम इज सी इज चेकिंग मी प्लीज चेक इट. देखिए ये तो नहीं चेक हो पाएगा, ठीक है. और नाम से तो बिल्कुल नहीं हो सकता. बाकी अगर आप डिटेल भेजते हैं उनकी, है ना, बर्थ डिटेल टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, तब हम कुछ देख के बता सकते हैं. और तेजस्वी जी आपका आई थिंक क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया. अगर क्लियर हो गया तो आप एक बार थम्स अप कर दें, हम पता चल जाए हमने आंसर दे दिया. बाकी किसी और का कोई प्रश्न? दीप जी एक काम कीजिएगा, आप
हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, यहाँ पर के चैट गायब हो जाएगी थोड़ी देर में ना, डायरेक्ट मैसेज कीजिए आप रहेगा। अब डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे। और बाकी किसी और का कोई प्रश्न? वेलकम। मैरिज एज कैसे देखे फॉर्म में? ओके, हम बता देंगे आपको मैरिज एज कैसे देखे फॉर्म में। ओके, उसके लिए हमारे इसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देखिए, इसमें शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा इंस्टा पे ही, तो आप उससे क्लियर हो जाएगा मैरिज एज किस प्रकार देखिए। ज्यादा अच्छा रहेगा, आप उसको देख लिया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, बट हाँ कुछ सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। श्रुति जी लिखती है यस, और बाकी एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? कर सकते, क्वेश्चन हो गया हो तो फिर हम लाइव सेशन एंड कर सकते हैं। आई थिंक टाइम हो रहा है काफी, 10 बज चुका है। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, बाय, टेक केयर।